नई सोच, नए जज्बे, नए कदम से बीते लगभग एक दशक में भारत ने ऐतिहासिक विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ऐसा विकास जो वसुधैव कुटुंबकम की राह को अपनाते हुए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रहा है। बात चाहे विश्व स्तरीय ट्रेड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर कदम जमाने की, शिक्षा व रोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त करने की हो या पैरा एशियाई खेलों में शीतल देवी के सटीक निशाने की, या भारत मंडपम में हुए G20 समिट में भारत का लोहा मनवाने की, भारत के तीव्र विकास को दर्शाती नमो भारत रेल की हो, हमारा तिरंगा हर तरफ शान से लहरा रहा है। और इन सब के पीछे है एक ऐसी पथ प्रदर्शक सोच जिसने 21वीं सदी के डिजिटल रंगों से पूरे देश को रंग कर इसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। ये सब संभव हो सका दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व तथा संभावनाओं को अवसर में बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की अपार क्षमता को पहचानते हुए उनके लिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में रोजगार के भरपूर नए अवसर प्रदान किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, मेरा युवा भारत पोर्टल, PM कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना जैसे प्रयासों ने युवा सशक्तिकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इसी दिशा में एक और महाअभियान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार मेले की संकल्पना। एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने के संकल्प से हर महीने आयोजित होने वाले ऐसे मेलों द्वारा केंद्र सरकार और सहयोगी राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त होकर लाखों युवा देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज देश के कोने कोने में एक साथ 51,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार व सहयोगी राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप ए, बी, सी के विभिन्न पदों पर शिक्षक, व्याख्याता, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, कांस्टेबल, रेडियोग्राफर, पैरामेडिकल पद, सब इंस्पेक्टर, LDC, स्टेनो, CGST निरीक्षक, ग्रामीण डाक सेवक, MTS आदि पदों को शामिल किया गया। इन सभी पदों पर महिलाओं की बढ़ती नियुक्ति से नारी शक्ति को निसंदेह एक नया बल और एक नया जोश मिला है। इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अब पूरी सत्य निष्ठा, तत्परता और लगन से विकास की चहुमुखी यात्राओं में जुट गया है। इन्हीं ऊर्जावान युवाओं से बन रही है विकसित भारत की पहचान।